दोस्तों, खेतीबाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में फिरकिस लगाने का तरीका। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को इसी जगह दिखाया था दोस्तों जब फिरकिस फरी हुई थी, लेकिन दोस्तों आज इसको लगाना है हमको। जैसे भी आपको एक हफ्ता पहले दिखाया था दोस्तों जैसे फिरकिस लगाने का तरीका, लेकिन दोस्तों जो दिखा था वो घर पर थी, वहाँ पर दोस्तों यानी पूरी अभी यानी फूल के टाइम आ गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है दोस्तों पानी उन्हें बिल्कुल बंद कर दिए हैं वो ऊँची जगह पर। लेकिन दोस्तों जो ये देख रहे हैं ये खेत में है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पानी उन्हें ज़्यादा दिया जाता है इसलिए यहाँ पत्ती नहीं गिरी है। लेकिन दोस्तों अब इसको हमको लगाना है, तो इसको कैसे लगाएंगे, कौन सी इसमें डाल कटिंग करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित में जो भी वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको कौन सी में कटिंग करना चाहिए। जैसे तो दोस्तों देख रहे हैं ये डाल में कितनी ज़बरदस्त दोस्तों आँखें निकल रही हैं। जैसे ये दोस्तों बहुत ज़बरदस्त इसमें आँखें निकल रही, तो दोस्तों ये लगाने वाला, इसको अभी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज़बरदस्त इसकी आँखें निकल रही हैं, ये देखें लगाने वाली है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त पकड़ेगा, तो इसको भी हम कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करते हैं, जैसे कि ये इस हिसाब से कटिंग करेंगे हम। ठीक है, बस ठीक है, अब इसको हम छोटा छोटा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी कटिंग कर लिया हूँ इसको। ठीक है, अब कटिंग करने के बाद मिट्टी भी तैयार कर लिया हूँ। ठीक है, अब इसमें से हमको जो है खाद डालना है, नहीं तो और घास, ये घास डालेंगे हम अभी इसमें। दोस्तों ये पांच बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये बकरी वकरी की नहीं है, लगाए का है। ठीक है, उसके बाद में ये यानी कंपनी से आती कोई, इसमें सब चीज़ मिक्स होता है दवा वगैरह। ठीक है, पेड़ में लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद खाद डालते हैं, ये जैसे इसको हम मिक्स करके उसके बाद हम भर के आपको दिखाते हैं। पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद प्लास्टिक भरेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको मिक्स कर लिया हूँ। ठीक है, इधर से खाद लिया था और इधर से पांच, उसके बाद इसको मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद अब इसको भर लिए हैं प्लास्टिक, और दोस्तों प्लास्टिक को होना चाहिए जिससे छेद होना चाहिए कि ताकि आप पानी नीचे से लगाएं यहाँ से। ठीक है, इतना पानी दिया जाएगा ताकि इधर से सींचेगा, मतलब सींच जाएगा पानी। उसके बाद में दोस्तों ये ऑक्सीजन लेता रहेगा, ऑक्सीजन जाएगी तो दोस्तों ये मिट्टी जल्दी सूखेगा तो सही रहेगा, यानी बिल्कुल से अगर आप यहाँ से पाए हवा नहीं पाएंगे तो दोस्तों चिपक जाएगा, फिर सूखेगा नहीं जल्दी से। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए तभी दोस्तों ये हरी आएगा। उसके बाद दोस्तों ये है कि जैसे जब लगाएं तो दोस्तों जहाँ पे धूप ज़्यादा होता है वहाँ पर इस तरीके से कहीं नहीं लगाई जाएगी। जैसे ये है, यहाँ पर तो दोस्तों मौसम ठंडा मुश्किल नहीं है, लेकिन जहाँ पर धूप ज़्यादा वहाँ पर बिल्कुल मोटी लगाई जाएगी, थोड़ी सी मोटी लगाई। जैसे ये है, इससे कि दोस्तों इसको जो यानी जब हरी आएगा तो कम से कम इसको एक सवा महीना चाहिए, डेढ़ महीना भी लग जाएगा। तो दोस्तों जब तक इसमें नई जड़ फूटेगी, अगर पतला रहेगा तो दोस्तों सूख जाएगा, लेकिन जब अगर मोटा रहेगा तो जिसमें जल्दी से सूखेगा नहीं। इसलिए दोस्तों जहाँ पे धूप ज़्यादा होता है वहाँ पे मोटा लगाएं, और जहाँ पे धूप बिल्कुल इस तरीके से न लगाएं, नहीं तो दोस्तों ये सूख जाएगा। ठीक है, इस तरीके नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मौसम ठंडा है तो इसलिए यहाँ पर ये चलेगी, कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों लगाते वक्त तरह ध्यान दें कि कम से कम इतना नीचे जाना चाहिए। ये जैसे ये है, इस तरह से लगाएँ ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे देख रहे हैं इसमें हम समले में जो है अभी थोड़ा से मोच का भथोड़ दिए हैं, उसके बाद में जो है मिट्टी लगा दिए हैं। ये बस इसको वापस दोबारा नहीं निकालना है, नहीं तो दोस्तों इसकी जो आँखें फूट जाएगी, जैसे अभी इसको सोचे दोबारा निकालेंगे उसकी आँखें फूट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम आराम से लगाएँ, लगाते हुए भले थोड़ा तीसरे में चल जाए तो मुश्किल, लेकिन बस उसको वापस नहीं लाना है दोबारा, ऐचेंगे नहीं जैसे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर फिर किस की यानी नर्सरी करना चाहते हैं तो बहुत दोस्तों आसान तरीका है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे मिल जाए, अगर आप घर ले जाना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं है। जैसे कहीं अगर आपको मिल जाए, आपको जैसे दूसरे घर पे मिल रहा है या कहीं रिश्तेदारी मिल रहा है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे दो चार दस दिन बाद लगाना है तो कोई मुश्किल नहीं है। आप इस तरह से इसको बिल्कुल कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद में ये कोई कपड़े में लपेट लीजिए, उसके बाद हल्का से उस पर पानी का फुहारा मार लीजिएगा। जैसे कहीं आप मतलब दो तीन तीन चार दिन लगाना है तो बस इसको थोड़ा सा कपड़ा यानी लपेट लीजिए, उस या टाट बोरा हो उसमें रख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों चार दिन पाँच दिन छः दिन आप कोई मुश्किल नहीं लगा सकते हैं, ले जाना चाहते हैं। ये नहीं कि हाँ मतलब ज़रूरी है कि आप तुरंत करें तुरंत लगाएं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कहीं अगर मिल जा रहा है दोस्त व्यवहार या जैसे भी रिश्ता देना तरह कहीं में, तो आप काट के इस तरह से छोटे छोटे जमा कर लीजिए जैसे कि हैं। उसके बाद में आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, बस इसको ज़्यादा कसना नहीं है कि ताकि इसकी आँखें बची रहें, फूटे ना। उसके बाद आप अपने घर पर ले जाकर लगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और दोस्तों इस समय इसको जो कहीं से भी लगाया जा रहा है सब चीज़, उसके बाद जो बीएस लगाएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे जो बीएस लगाया जाएगा। अब इसका टाइम लगाने का बीएस है,
ठीक है, लेकिन जो कहीं से लगाना है तो आप इस समय लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये फिरकिस है, फिरकिस दोस्तों कई तरीके, एक सफ़ेद होती है, एक लाल होती है, बिल्कुल ज़्यादा लाल होती है, एक पीली में होती है। तो दोस्तों ये जो इसमें दो लाइन है जैसे देख रहे हैं, जो मोटी मोटी हम काटे हैं, ये इसमें चार जो है दूसरा है, और ये तीन जो है दूसरा ही है, ये दूसरा एक पेड़ का है, यहाँ से देख सकते हैं ये तीनों अलग है, इसको हम इधर रख लेंगे ये, ठीक है। लेकिन जो ये है अलग है दोस्तों, ये बिल्कुल लाल वाली, थोड़ा सा सफ़ेद वाली है, ठीक है, ये चार, ठीक है। आप जिस तरह से आप चाहें, जो आपको पसंद है वो लगाए, कोई मुश्किल नहीं है। आप बस आप देख लें कि हाँ ये फिर किस सही है नहीं है, बस देखा हुआ होना चाहिए, बस कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, और जब हम बीएस लगाएं तो आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें पानी कितने दिन से देना है, ये 4 दिन से 5 दिन से देना है, मौसम के अनुसार। जैसे कि आपके यहाँ धूप ज़्यादा हो रही है तो 4 दिन से लगाएगा, तो आपके यहाँ मौसम ठंडा, जैसे हम लोग के यहाँ सर्दी होता है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो लोग 5 दिन से 6 दिन से देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से फिर किस लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।